बचपन से मुझे पेंटिंग का बहुत शौक है, तो धीरे धीरे और मेरे में ये बिहार का लोक कला और बिहार के लोग नागरिक होने के कारण हम चाहते हैं कि ये जी, दूर 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 तक जाए। जाए। एक मीठी मुस्कान है ये बेटी, अपने हृदय से कला को निखारती है ये बेटी, अपनी कला से ये पहचान बनाई है ये बेटी। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनाली सिन्हा केवी स्टूडियो में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। दिनकर की धरती बेगूसराय की यह बेटी कला में बहुत ही बेहतरीन है। जो लोक कला है हमारे बिहार की मधुबनी पेंटिंग, इसमें बहुत सारी पेंटिंग इन्होंने बनाया है। तो आइए मैं आपको इनसे मिलवाती हूँ और जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार मीरन, आपका हमारे केवी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका, डॉक्टर रोशन सर का और केवी स्टूडियो के पूरे टीम का जो हमें यहाँ बुलाया है। जी मीरन, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे आपका परिचय, जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं आप उनसे अपना परिचय समझाएं। मेरा नाम मीरन कुमारी है और मैं अब पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ती हूँ अभी, पटना यूनिवर्सिटी आर्ट एंड क्राफ्ट और BHU का एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रही हूँ। देखिए बहुत ही आकर्षित पेंटिंग आप बनाती हैं, तो ये पेंटिंग बनाने के सिलसिला कहाँ से स्टार्ट हुआ? बचपन से मुझे पेंटिंग का बहुत शौक है, तो धीरे धीरे और मेरे में जी, मतलब एक होता है ना कि आपको प्रेरणा कहीं से मिली होगी कि हाँ मुझे पेंटिंग करना चाहिए। मैं बचपन से मौसा जी को बनाते हुए देखी हूँ पेंटिंग, और स्कूल में भी राजीव सर थे उनको भी पेंटिंग बनाते देखी हूँ, तो मुझे भी पेंटिंग बनाने का शौक हुआ। जी, आपका स्कूलिंग लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुआ? केंद्रीय विद्यालय उसी ब्रॉनी। जी, मिलन हम जानना चाहेंगे कि आप मधुबनी पेंटिंग को ही चॉइस किए, और भी बहुत सारी पेंटिंग होती हैं तरह तरह की, तो इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है मधुबनी पेंटिंग के? ये बिहार का लोक कला और बिहार के लोग नागरिक होने के कारण हम चाहते हैं कि ये दूर दूर जी, तक दूर दूर तक जाए। जाए। आप बेगूसराय की बेटी और हमें और पूरे बेगूसराय को आप पे गर्व है कि आप इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी आकर्षित पेंटिंग करती हैं, ये बहुत ही गर्व की बात है। मिलन हम जानना चाहेंगे कि आप जो मधुबनी पेंटिंग करती हैं इसमें टाइमिंग कितनी लगती है आपको? ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन। 3-4 दिन में आप पूरा पेंटिंग हाँ पूरा कर? कंप्लीट हो जाता है। जी, आपने पेंटिंग जब बनाना स्टार्ट किया ये कहाँ से सीखे आप? पेंटिंग ऐसे तो कभी कहीं सीखे नहीं है, लेकिन जब से कोरोना आया है तब से गूगल पे देखे तो बहुत अच्छा लगा पेंटिंग, तो इसको देख के बनाने का मन किया तो बनाने लगे। अच्छा, मतलब गूगल आपके गुरु हैं। जी, आजकल के ज़माना में लोग मोबाइल और गूगल को थोड़ा देख बोलते हैं कि बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, पर आपको देख के ऐसा लगता है कि हाँ नेट और गूगल आपको काम दे रहा है कि आप अपने करियर के बारे में सोच सकती हैं। तो आपने आगे का क्या सोचा है कि आपको आर्ट एंड क्राफ्ट करके ही अपना फ्यूचर बनाना है? हाँ हमको तो आर्टिस्ट ही बनना है। आपके फेवरेट आर्टिस्ट कौन है? मेरे फेवरेट आर्टिस्ट मेरे मौसा जी, जिनको हम बचपन से देखे हैं। मतलब आपके मौसा जी इस लाइन में हैं तो आपको बहुत सपोर्ट मिलता हाँ होगा। बहुत सपोर्ट मिलता है। जी, आपकी फैमिली से आपको कितना सपोर्ट मिलता है, आपके मम्मी पापा? मम्मी पापा भैया सब सपोर्ट करते घर में। जी, कि आपको आर्ट एंड क्राफ्ट में ही अपना हाँ करियर अपनाना है तो आपको सब कोई सपोर्ट दे रहे हैं। हाँ कि आगे जाके आर्टिस्ट ही बने। जी, आपने कहीं कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है? हाँ किए थे। हाँ कहाँ कहाँ किया है? तो हम चाहेंगे कि आज आप हमारे केवी स्टूडियो आई हैं तो हमारे दर्शकों को अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आपने कहाँ कहाँ गया और कैसा अनुभव हुआ आपको। मैं स्कूल में पार्टिसिपेट की हूँ बहुत बार, और फिर अब कॉलेज में जाऊँगी तो बेहतरीन से बेहतरीन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहूँगी।
आपका मधुबनी पेंटिंग के अलावा आप कौन कौन सा पेंटिंग करती हैं? स्केच भी कर लेते हैं और फिर मंडला आर्ट और बस इतना ही। अच्छा, तो आपने मतलब आपके मन में ऐसा कब आया कि आपको आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज में जाना चाहिए? ये तो पहले बचपन से ही शौक था कि हम आर्टिस्ट बने, लेकिन पहले ऐसा होता है ना कि आजकल के बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर ये सब बनने की ज़्यादा ख्वाहिश रहती है, और उनके पेरेंट्स को भी लगता है कि मेरे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने, आप आर्टिस्ट बनना चाहती हैं? डॉक्टर इंजीनियर की तरफ तो मेरा कभी सपना ही नहीं रहा है, जा भी नहीं था। नहीं, निफ्ट का एक निफ्ट की तरफ ध्यान गया, लेकिन उधर बहुत टफ था तो मेरे लिए, तो इसलिए आर्टिस्ट ही। और निफ्ट के द्वारा भी आप अपना करियर अपना सकती हैं, और वैसे आप हमारे बिहार में पटना में आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज है, तो आप हम चाहेंगे कि आप वहाँ एडमिशन लें और बेगूसराय का नाम रोशन करें। मधुबनी पेंटिंग जो आप करती हैं, दूर दूर तक आपकी पहचान बने, ये हमारे बेगूसराय के लिए गर्व की बात होगी।
पेंटिंग तो बहुत सारे की हूँ, और मेरे सारे पेंटिंग का एग्जीबिशन भी अब कुछ दिन में लगने वाला है। अरे वाह, ये एग्जीबिशन कहाँ पे लगने वाला है? या बेगूसराय में ही। मेरे विचार से कि मैं अगर मेरे अनुभव से कहे तो मधुमनी पेंटिंग की एग्जीबिशन बहुत ही कम लगती हैं, तो आप इतने कम उम्र में आपकी एग्जीबिशन लगने वाली है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और हम अपने दर्शकों भी को भी बताना चाहूँगी कि आपकी एग्जीबिशन लग रही है तो सब कोई शामिल हो उस एग्जीबिशन में और आपकी टैलेंट की पहचान करे सब। कहा जाता है कि एक कलाकार की जो मन की अंदर की खूबसूरती होती है वो अपने पेपर पे उतार देते हैं, तो आपके विचार से ये कितना सत्य है? हम आपका अनुभव जानना चाहेंगे। ये सच है कि कलाकार अपने मन की खूबसूरती को पेपर में उतार देते हैं, क्योंकि वो जैसे बाहर जाते हैं तो वहाँ की खूब जी जी बाहर की सौंदर्य को देखते हैं, तो वो चाहते हैं कि सुंदर से सुंदर दृश्य अपने पेपर पे उतारते हैं। जी जी जी। आमिना जी, आप हमारे केबी स्टूडियो आए, आपको कैसा लगा? मैं यहाँ के बहुत खुश और पुनः डॉक्टर रोशन सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच आई और अपनी बात रखी, और आप बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, और हम आपके लिए शुभकामनाएँ करते हैं कि आप दूर दूर तक जाएं और मधुबनी पेंटिंग जो हमारी बिहार की लोक कला है उसे प्रचलित करें। जी धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप सभी ने सुना इस बच्ची की कहानी, जिन्होंने कहीं से भी अपनी पेंटिंग की शिक्षा प्राप्त नहीं की, ये अपने घर वालों से ही अपने लोक कला जो हमारी बिहार की मधुमनी पेंटिंग है इसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और घर में ही रह के प्रयास कर रही है। तो ऐसे ही शख्सियत से मिलने के लिए हमारा फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें, और हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।